अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो रिटन पेपर होता है पेपर वन, तो उसमें देर आर 8 टॉपिक्स। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम चलते हैं, 24 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हैं। और आज का टॉपिक जो माइग्रेशन का मैंने लिया, तो 2022 का जो पेपर है उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया, तो इसका मैं कंप्लीट आपको आंसर भी बताऊंगा और डिटेल इसकी के क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर पीपल आर नाउ माइग्रेटिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। द यूएन इज कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम दिस कॉजेज एंड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग एक्शंस। तो पहला जो की वर्ड है इस पूरी पहले स्टेटमेंट के अंदर, तो यूनाइटेड नेशन और क्लाइमेट चेंज, ये आपने हाईलाइट कर लेने। फिर तीन स्टेटमेंट है आपके पास, इनकरेज गवर्नमेंट्स टू वर्क टूगेदर टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, तो पहली स्टेटमेंट। फिर दूसरी है कि न्यू कम्युनिटीज को प्लान किया जाए जो सेफर प्लेसेस है जहां पे माइग्रेंट्स जाएंगे। तीसरा है प्रोमोट लाइफस्टाइल चेंजेस दैट आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। तो आप कौन सी रिकमेंड करते हैं इन तीनों में से? तो रिमेम्बर, सबसे पहली चीज तो हमें चारों जो सोर्सेज हैं वो हमने पढ़ने होते हैं जो कि दिया होता है एक बुकलेट, और उसके बाद हमने एक चूज करनी है और बाकियों को भी रेफर करेंगे। बिकॉज आप देखें कि इन योर आंसर यू शुड स्टेट योर रिकमेंडेशन, आपने अपनी रिकमेंडेशन बतानी है। फिर गिव रीजंस एंड एविडेंस टू सपोर्ट योर रिकमेंडेशन, तो आपने ज्यादा उसको सपोर्ट करना है जो स्टेटमेंट आप ले रहे हैं। और कंसिडर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, तो दूसरी स्टेटमेंट्स को भी आपने कंसिडर करना है, ये नहीं कि आप जो चूज कर रहे हैं आपने उसी के ऊपर स्टिक रहना है। यूज द मटेरियल इन द सोर्सेज एंड और एनी ऑफ योर ओन आइडियाज, तो जो सोर्सेस के अंदर मटेरियल होते हैं वो भी आपने हाईलाइट करना होता है। तो पहले हम जरा देखते हैं सोर्सेस को, थोड़ा सा हम सोर्सेस देख लें। जैसे सोर्स वन है, तो इसमें अगर आप डिटेल देखें तो वाइल्ड फायर अफेक्टेड कैलिफोर्निया एंड ऑस्ट्रेलिया, फिर ईस्ट एशिया के अंदर टाइफोन्स, फिर साइक्लोन, ये इसके अंदर फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपने हाईलाइट करने होते हैं। जैसे इन 2019 इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 5.5 मिलियन पीपल माइग्रेटेड ड्यू टू द एनवायरमेंटल रीजन, ये अब आपने हाईलाइट कर देना है। इस तरह इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस विल ग्रो टू 123 मिलियन पीपल बाय 2050। तो ये जब आप अपना एनालिसिस लिखते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं, तो वहां पे आपको अपना जो फैक्ट्स हैं वो मेंशन करना पड़ते हैं, सपोर्ट करना होता है अपने आर्ग्यूमेंट को। तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो आप हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें, जो भी पेपर जिस तरह का भी आए। फिर सोर्स टू अगर देखें हम, तो मेनी इंडिविजुअल्स चूज टू माइग्रेट, क्यों माइग्रेट, उसके ये रीजंस लिखे हुए हैं कि क्यों करते हैं वो। एक तो स्केप फ्रॉम थ्रेट ऑफ इंजरी एंड डेथ, इम्प्रूव एक्सेस टू फूड एंड वाटर, ये सारे आप पढ़ सकते हैं, कुछ इमेजेस भी दिए हुए हैं। अब जैसे आप देखें ड्राउट और उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो रही है, फिर फ्लडिंग है, फिर ये जो वाइल्ड फायर्स हैं, तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज, और इस वजह से लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप सोर्स थ्री में देखें, तो इसके अंदर अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलती है या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो उसको आप हाईलाइट करें। फिर जो जैसे इसी सोर्स थ्री के अंदर इट इज हाउ एवर रिसर्च बाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट दैट इन 2018 17.2 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड बाई एनवायरमेंटल डिजास्टर इन 148 कंट्रीज। तो इसका मतलब जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, तो वो बहुत बड़ा है। तो ये मैं क्यों ये सोर्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि सोर्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर ये सोर्स फॉर में आपको पता है कि एक स्टेट एक एग्री करता है एक डिसएग्री करता है, तो इसमें भी हम देखते हैं कि अगर कोई सोर्सेस जो फैक्ट्स हैं मेंशन है तो वो भी हाईलाइट करते हैं। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से। अब अगर क्वेश्चन देखें तो तीन स्टेटमेंट से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगेन इट इज इंटायरली डिपेंड्स ऑन जू कि आप किस तरह से उसको करते हैं। अब मैं जैसे जो पहली स्टेटमेंट है कि इनकरेज गवर्नमेंट्स टू वर्क टूगेदर टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ।
क्योंकि अगर सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास प्लेटफॉर्म भी है, और देखें यूनाइटेड नेशन इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम, तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे गवर्नमेंट्स जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये इश्यू डिस्कस भी हो सकते हैं और उसके अंदर इसका कुछ सोल्यूशन भी निकल सकते हैं। क्योंकि अगर न्यू कम्युनिटीज वगैरह को हम प्लान करेंगे तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं, वो हम अभी जो आंसर मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर हम बात करेंगे। लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस करते हैं तो यस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं और जा रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत पॉजिटिव होता है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी वो सस्टेनेबल हो जाती है, इकोसिस्टम बच जाता है, और बड़े इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑफ कोर्स आप कोई सी भी स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले प्लानिंग करनी है कि किस स्टेटमेंट के ऊपर आपके पास नॉलेज ज्यादा है। तो हम जरा आंसर की तरफ आते हैं, जो आंसर मैंने एक लिखा है तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए, तीन स्टेटमेंट्स थी तो मैंने क्या किया, मैंने चूज किया आई वुड रिकमेंड द एक्शन ऑफ इनकरेज गवर्नमेंट्स टू वर्क टुगेदर टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। दिस रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन सेवरल रीजंस एंड एविडेंस। तो मैंने शुरू में ही बता दिया अपने आंसर के कि मैं कौन सी स्टेटमेंट चूज कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये बता दिया तो ऑफकोर्स जो मेरा कंक्लूजन होगा वो मेरी स्टेटमेंट के फेवर में ही होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं शुरू में ये बता दूं और एंड पे जाके मुझे पता चले कि मेरा कंक्लूजन तो किसी और तरफ जा रहा है, तो फिर मेरा पूरे का पूरा आर्ग्यूमेंट फ्लॉ आर्ग्यूमेंट वो खत्म हो जाएगा, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मैंने जो बता दिया पहले स्टेटमेंट, तो अब मैं इसको डिवेलप करूंगा। तो डिवेलपमेंट इज द की कॉज एंड कंसिक्वेंस। अब मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इश्यू दैट इफेक्ट्स एवरी नेशन, तो वो मुझे पता चल गया सोर्स के अंदर से भी 148 कंट्रीज जो 2018 के फैक्ट्स एंड फिगर्स से, दैट आई कैन मेंशन हियर। मैंने मेंशन नहीं किए तब भी मैं 24 आउट ऑफ 24 लूंगा, बट आप जितना मैक्सिमम मेंशन कर सकते हैं तो करें। इनकरेजिंग गवर्नमेंट्स टू कोलैबोरेट ऑन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज एड्रेसेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्दर अपने पॉइंट को कि अगर गवर्नमेंट्स कोलैबोरेट करें तो रूट कॉज जो है हम उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे, रादर देन हम लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं या कम्युनिटीज को सेफ प्लेस दे रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि मैं किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने रूट कॉज को पकड़ना है ना, किसी भी चीज का अगर रूट कॉज मिल जाए तो आपके लिए ईजी होता है पॉइंट्स को डेवलप करना कि बाय कलेक्टिवली एड्रेसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, डिफॉरेस्टेशन एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन मेक अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन मिटिगेटिंग इट्स इफेक्ट्स। तो बड़ा आसान हो जाएगा ना जब आप सारे बैठते हैं। अगर एक घर की आप एग्जाम्पल ले लें तो घर में अगर एक इतफाक हो जाए तो कोई भी बड़े से बड़ा काम भी अचीव हो जाता है, और अगर उसमें ना हो डिसएग्रीमेंट्स हो तो छोटे से छोटा काम भी नहीं होता। तो अगेन ये मेरा एक बड़ा वैलिड पॉइंट इधर बन गया। फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि सोर्स वन टेल अस दैट 2050 मोर देन 123 मिलियन पीपल वुड बी माइग्रेटेड, देयरफॉर इट वुड हैव अ स्ट्रेन ऑन द होस्ट कंट्रीज वेयर दे विल बी सेटलिंग। यूनाइटेड नेशन इज अ गुड प्लेटफॉर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो अब अगर आप देखें मेरी जो पहली एक्सप्लेनेशन है, अपना जो मैंने चूज किया है पॉइंट, मैंने एग्जांपल्स भी कोट कर लिए हैं सोर्सेज के अंदर से, और मैंने एक बेहतरीन सी डेवलपमेंट कर दी है ग्लोबल इशू, उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। मैं फर्दर डेवलप इस स्टेटमेंट को कर सकता हूँ, अभी तक मैं 8 मार्क्स ले सकता हूँ इस क्वेश्चन इस आंसर के अंदर। मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज हेल्प प्रिवेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज। अब आप देखें तो मैं दूसरी स्टेटमेंट को भी निगेट कर रहा हूँ लेकिन अपनी स्टेटमेंट को फेवर कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं दूसरी स्टेटमेंट को निगेट कर रहा हूँ। इफ क्लाइमेट चेंज इज इफेक्टिवली एड्रेस्ड फ्यू पीपल विल बी फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज और लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो दिस अप्रोच कैन हैव अ ग्रेट ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड एंड फ्यूचर फूड सिक्योरिटी एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे
एंड कल्टिवेटिंग लैंड इज डिक्रीजिंग एज मेंशनड इन सोर्स 3 अबाउट अफ्रीकाज लैंड। मैं फिर से सोर्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक दूसरी स्टेटमेंट को एक को निगेट भी किया है और फिर उसमें मैंने दे दिए एग्जाम्पल भी दे दी। फिर मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ, रिडक्शन इन क्लाइमेट चेंज कॉजिंग एक्टिविटीज। अब मैं तीसरी स्टेटमेंट को भी निगेट कर रहा हूँ या उसके मैं फेवर में बोल के फिर भी अपने साइड पे ही जा रहा हूँ। रिडक्शन इन क्लाइमेट चेंज कॉजिंग एक्टिविटीज लीड्स टू अ मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। यस, दिस नॉट ओनली बेनिफिट्स द क्लाइमेट बट ऑल्सो हेल्प्स प्रिजर्व इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट अलाइंस विद यूनाइटेड नेशंस ब्रॉडर गोल्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉस हैं, तो उसकी तरफ मैं ये मैं अपने नॉलेज से लिख रहा हूँ ये पॉइंट। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई और पॉइंट भी इसकी जगह लिख सकते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो वाइल प्लानिंग न्यू कम्युनिटीज, मैं फिर आ रहा हूँ दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, एंड प्रोमोटिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ, आर एसेंशियल मेजर्स, दे मेनली एड्रेस द कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये कंसिक्वेंसेज के ऊपर जब बात हो रही है तो क्यों ना हम रूट कॉज को पकड़ें। तो मैं अब देखें, मैं अपनी स्टेटमेंट को फेवर ही कर रहा हूँ, चाहे मैं दूसरी स्टेटमेंट के भी बेनिफिट्स बता रहा हूँ, तीसरी के भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो स्टेटमेंट है जो मैंने चूज किया रिकमेंडेशन उसकी फेवर में जा रहा हूँ। इनकरेजिंग गवर्नमेंट्स टू वर्क टूगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज रिडक्शन इज अ मोर प्रोएक्टिव और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दैट कैन प्रिवेंट फ्यूचर क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इसमें मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं आता हूँ एक और पॉइंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज इज अ कम्प्लेक्स इश्यू दैट ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर्स। तो ये पूरी दुनिया का मसला है। कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स इज वाइटल बिकॉज द एक्शन ऑफ वन कंट्री कैन इम्पैक्ट द क्लाइमेट ग्लोबली। कलेक्टिव एफर्ट्स थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एग्रीमेंट कैन फोस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। ये मैंने पेरिस एग्रीमेंट कहीं भी नहीं मेंशन, मेरे पास नॉलेज था तो आई कैन गिव दैट रेफरेंस टू। आपके पास कोई भी अगर नॉलेज है इस तरह का पॉइंट है तो आप दे सकते हो। ये पॉइंट अगर मैं ना भी लिखूं तो मेरे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो कंसिडरिंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव, इट्स एसेंशियल टू एक्नॉलेज दैट प्लानिंग न्यू कम्युनिटीज फॉर माइग्रेंट्स एंड प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल चेंजेस आर वैल्यूएबल स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेंट्स। हाउएवर, दीज एक्शंस प्राइमरीली डील विद द कंसिक्वेंसेस एंड अडेप्टेशन रादर देन द रूट कॉज। मैं फिर रूट कॉज की बात कर रहा हूँ, मैंने शुरू ही इससे किया था। To achieve long-term and sustainable solution, addressing climate change through international cooperation is crucial. तो ये मैंने conclude कर दिया है। इसमें से अगर मैं एक डेढ़ पैराग्राफ अगर omit भी कर दूं, निकाल भी दूं, तो still I can get full marks. तो कहने का मतलब ये है, in short, कि आप अगर sources को अच्छी तरह से use करते हैं, cause and consequence. अब मैंने पूरी cause and consequence के ऊपर बात की है कि अगर किसी का आप इम्पैक्ट नहीं लिखते हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते ये 24 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको इसमें समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तो मैं एक एक क्वेश्चन सारे टॉपिक से करूंगा ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है हर टॉपिक से रिलेटेड वो भी इनहेंस हो जाए। जैसे इसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट है वो आपको पता चला, और इस तरह जो एग्जाम्पल्स को कैसे कोट करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।